लेकिन जो बफर जोन की रिहायशी हैं जो करीब के विद इन 5 माइल रेडियस हैं तो उनको हमारी तरफ से जो है वो डिलीवरी फ्री होगी। बफर जोन वालों आप लोगों को डिलीवरी फ्री है। स्पेस अगर मैं बताऊं तो आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा, स्पेस बहुत अच्छा है और खुला खुला स्पेस है। आप बैठ के यहाँ पे फैमिलीज, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठ के खा सकती हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट। चेंज हो गया थोड़ा सा माइक, चेंज हो गया, अच्छा नहीं माइक वही है। तो बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं आज की वीडियो की और मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि हम किस जगह पे हैं। क्या नाम है भाई इसका, आप देख सकते हैं, चटखारा। चटखारा देसी मज़ा, यानी चटखारे में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मिल रहा है देसी मज़ा आपको। देसी मज़ा क्या मिल रहा है आपको, एज यूजुअल यहाँ पे हमने आपको चाइनीज़ के साथ थोड़ा सा फास्ट फूड ऐड कर दिया जिसमें जिंगर वगैरह ऐड हो गए हैं। और कितने की डील मिल रही है, कितने की आपको क्या चीज़ें पड़ने वाली हैं सब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत खूबसूरत सा प्लेटर हमने डिज़ाइन किया आपके लिए। फूड क्वालिटी मैटर्स वाली बात है, अच्छी क्वालिटी पे अच्छा खाना खाइए और बेहतरीन खाना खाइए, वो दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आपको। और ये आपको प्लेटर कितने का पड़ा है ये मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ बन कैसे रहा है, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वीडियो देखते रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको इस प्लेटर में इसके अलावा भी कुछ दिखाऊँ। आइए ओके व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो है ये हो रहे हैं बंद। अच्छा ये हमें बताएंगे भाई कि हो क्या रहा है, तो मुझे खुद नहीं पता है भाई ये क्या क्या कर रहे हैं बंद का। बन जो है ये टोस्ट हो रहे हैं ताकि खाने में जो है ये ज़रा अच्छा टेस्ट देते हैं जी। ये फर्स्ट टाइम मैंने आपके पास देखा है वैसे। ये सेलेमेंडर कहते हैं इस मशीन को, ये यूजुअली चीज़ मेल्ट करने के लिए, बन टोस्ट करने के लिए, पीटा ब्रेड टोस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो थोड़ा ईजी है, लोग माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, उसकी रेस हार्मफुल होती हैं कस्टमर के लिए या खाने में, तो हमारी कोशिश होती है हम यही इस्तेमाल करें। जो जिंगर आप बना रहे हैं, जो उनके बन हैं, वो आप यहाँ पे टोस्ट कर रहे हैं उसको? जी टोस्ट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्रंच आए और बन जो है वो थोड़े फ्रेश फ्रेश जो है लगे। बिल्कुल एक नई चीज़ आई है माशाल्लाह से, आप बहुत प्यारी चीज़ लेके आए हैं लोगों के लिए। ऑयल भी आपका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश ऑयल था बिल्कुल आपका, और यही ऑयल हमेशा ऐसा ही होता है या फिर? जी हमारा ऑयल ऐसा ही होता है, और ये कि अच्छा ऑयल में खाना पकता है तो उसका टेस्ट भी जाहिर सी बात है अच्छा निकल के आता है। और कोशिश यही होती है जो ख़ुद खाएं, जो ख़ुद के लिए पसंद करें, अपने घर वालों के लिए पसंद करें, वही कस्टमर को भी खिलाएं, और यही कोशिश होती है। चलें बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से, क्योंकि जितना फ्रेश ऑयल है मैं आपको इस बार किचन में लेके आ गया हूँ, आपको किचन का थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखें आप, बहुत साफ़ सुथरा और एक एक चीज़ जो है वो न्यू बिल्डेड यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हैं कि क्योंकि न्यू ही सेटअप है भाई पूरा माशाल्लाह से, नया सेटअप बनाया भाई ने। तो जितना सपोर्ट आप भाई को कर सकते हैं आप यहाँ पर आइए, साफ़ सुथरा माहौल है, बेहतरीन खाना है। कभी कभी जो है ना ये होता है कि भाई कम पैसे चल रहे हैं तो क्या चीज़ आ रही है, भाई बहुत फास्ट, बहुत साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी में फूड आपको मिल रहा है। इसके हिसाब से जो है रेट भी जो है बहुत कम रखे हुए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ये माशाल्लाह जिंगर की जो पेटी है आप देख सकते हैं व्यूअर्स, के जिंगर की पेटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है बड़ी करके, और बन जो है वो छोटा पड़ रहा है यानी बहुत एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो ये माशाल्लाह खासियत ये कि लोग जो करते हैं बन बड़ा कर लेते हैं, जिंगर छोटा कर देते हैं। नहीं बिल्कुल ये हमारी खासियत ही है, क्योंकि चिकन जो है वो फ्रेश और ऑयल फ्रेश, इसके साथ जो मैदा इसमें यूज़ हो रहा है इस कोटिंग के लिए वो फ्रेश। तो दूंगा आप भी बड़े बड़े बन दिखाएं ना लोगों की तरह, जो लोग बन बड़े करके दिखा रहे हो फ़ायदा क्या है इसका, दिखाओ कुछ बेचो कुछ। तो हमारी कोशिश यही होती है भाई जो दिखा रहे हैं वही इसको जो है वो बेचें। ज़बरदस्त हो गया, अच्छा इसको पूरा पैक कर लें फिर लोगों को दिखा दें पैक करते हुए। ओके व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जिंगर तैयार होने जा रहा है, इस पर सॉस नीचे जो है पूरा ओवर फ्लेम कर की जा चुकी थी, और लोडेड होने के बाद दूसरी सॉस भी इन्होंने जो है माशाल्लाह से ये फुल जूसी जिंगर्स अब आपके सामने जो है मंजर आम पे आ रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं, और ये सॉस भी लगा दी गई है इसके ऊपर। अब उसके बाद और इसमें क्या मज़ीद ऐड करेंगे आप इसके ऊपर, आप जो है वो बन जाएंगे जी हो जाएगा ठीक है जी। साथ है ये दो सॉसेस में इस्तेमाल होती है, जिंगर सॉस और हमारी रेम सॉस स्पेशल, यही आपको पूरा टेस्ट जो है वो डेवलप करके देंगे। ये जिंगर जैसे आपने दिखाए लोगों को भी ऐसे ही देने ये पक्का है? बिल्कुल कस्टमर आते हैं इनको यही जिंगर मिलता है, और जो लोग खा के जाते हैं बहुत तारीफ़ें करते हैं। तारीफ़ के काबिल चीज़ तो माशाल्लाह है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आपके बन जो है ना वो मुझे इस वक्त छोटे दिख रहे हैं और जिंगर जो है वो बड़ा दिख रहा है, और ये चीज़ बड़ी ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत चीज़ है जैसे कि आपने डिज़ाइन किया बना रहे हैं।
अच्छा जी, तो भाई ये बताते रहिएगा, इसमें माशाल्लाह से आपने भी दो चीज़ें ऐड हो गई, और क्या क्या इसमें भी ऐड होगा? इसमें अब चिकन जाएगी, चिकन कुक होगी इसमें थोड़ा, और कुक होने के बाद जो हम अपनी जो सीक्रेट रेड सॉस है वो ऐड करेंगे इसमें, जो कि असल मेन इंग्रेडिएंट है इस पास्ता का। क्रीमी रेड पास्ता कहलाता है ये। इसके अंदर रेड सॉस है, क्रीम है, और हमारे कुछ फ्लेवर स्पाइसेस हैं। ये जो होता है स्पाइस कम होता है यानी इसमें? इसमें क्रीमी रेड है, इसमें थोड़ा सा स्पाइस कम होगा, स्पाइसी होगा लेकिन ज़रा कम स्पाइसी, क्योंकि दो तरह की जेंट्री खाई आती हैं कराची शहर में, एक ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले, एक कम। जो ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं उनको हम विदाउट क्रीम पास्ता देते हैं तो वो अच्छा स्पाइसी हो जाता है, और जो नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं तो उनमें जो है वो क्रीम ऐड होती है। तो इसका नाम जो है वो क्रीमी रेड पास्ता है। ऑप्शन है कस्टमर के पास कि वो क्रीमी रेड लेना चाहते हैं या चटखारा स्पाइसी पास्ता लेना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि भाई इस वक्त जो बन रहा है वो क्रीमी रेड पास्ता बन रहा है, इसमें थोड़ा कम स्पाइस यूज़ हो रहा होता है, और ये खाने में भी आपको जो है बड़ा डिलीशियस सा इसका एक फ्लेवर आएगा। जब बनेगा तो आपको दिखाएंगे कैसा बन रहा है। इस वक्त तो आपके सामने मेकिंग चल रही है, और जिनको ख़वातीन हज़रात को जिनको नहीं आता, जो बनाना चाहते हैं वो देख के सीख सकते हैं। ये भी हमने एक स्टार्ट लिया, सीखें आप लोग, सीखें, सीखने के टाइम में बहुत सारे व्लॉगर भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखें तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। और ये इस वक्त पास्ता रेडी हो रहा है, अभी देखें क्या क्या चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड होंगी। ओके, अब इसमें क्या ऐड हो रहा है मज़ीद? अब इसमें ये हमारी रेड स्पेशल सॉस जो है, इन हाउस सॉस है, ये खुद बनाते हैं हम लोग, और आउटसोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये असल टेस्ट देती है पास्ता के अंदर। टोमेटो बेस्ड है ये, तो ये स्पेशल सॉस आ गई यहाँ पे। और इसके बाद अभी देखें इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। सारी खालिस चीज़ें जा रही हैं माशाल्लाह से, बड़ा ही। क्रीम ऐड करेंगे जिससे ये क्रीमी रेड कहलाता है। अब इसमें जो है वो पास्ता ऐड कर दिया जाएगा क्वांटिटी के हिसाब से जो एक बन रहा होता है। वैसे एक इंडिविजुअल कितने का बना रहे होते हैं ये आप सिंगल ही पास्ता? ये इंडिविजुअल सिंगल सर्विंग पास्ता है, तकरीबन 300 ग्राम्स का होता है टोटल सर्विंग, तो यूजुअली 300 ग्राम्स में एक बंदे का पेट जो है वो भर जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी सिंगल सर्विंग चीज़ें हम दें उसमें एक बंदा फुल हो जाए, अगर ज़्यादा खुराक भी उसकी है तो उसमें ये कि उसका अच्छे से पेट भर जाएगा। आप इस वक्त देख सकते हैं किस महाकारी और फनकारी के साथ जो है बनाया जा रहा है। सलाहियतों वाली बात होती है, घर में कोई इस्तेमाल कर रहा होगा जिसको बनाना नहीं आता तो सारा तो बाहर गिरा देगा वो तो ये बड़ी ही टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। ओके व्यूअर्स, तो बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं ऑनर हैं, और वैसे तो खैर अभी आपने देखा होगा मेकिंग भी उन्होंने अपने हाथों से करके दिखाई है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें वो अपने हाथों से ही काम कर रहे होते हैं, और बहुत ही माशाल्लाह से बड़े दीनी और मजहबी टाइप के बंदे हैं। थोड़ा सा उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई फेस हाइड करिएगा, हम कर नहीं पाए, किचन में उनको दिखा दिया, लेकिन बहरहाल अभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये डील कितनी की चल रही है और क्या ऑफ़र कब तक चलाने वाले हैं। तो पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डील है ये जो बनाई है, इसमें आ गई, पहले तो ये बता देंगे क्या क्या डील है, कितनी की चल रही है और कब तक चलाएंगे? इस डील में इंक्लूड जो है वो दो जिंगर हैं, फुल साइज़ जिंगर जो होते हैं, एक क्रीमी रेड पास्ता है और एक चिकन चाउमीन है। अच्छा, ये चाउमीन जो है ये ऑथेंटिक चाइनीज़ रेसिपी है, और स्पेगेटी नहीं, इसमें एग नूडल्स यूज़ होते हैं जो कि हमारी खासियत है, और खैर आप खाएंगे टेस्ट करेंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा। और ये डील हमारे पास है 1 मंथ के लिए, और हो सकता है हम इसको एक्सटेंड भी कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बस कस्टमर लाइक करेंगे तो हम इसको बढ़ाएंगे। ये है कितने की ये भी बता? 1050 की ये डील है, इसके अंदर चिकन चाउमीन, क्रीमी रेड पास्ता, फ्राइज, दो जिंगर और एक कोल्ड ड्रिंक शामिल है। 45 ml की कोल्ड ड्रिंक ये भी इसमें ऐड है, और ये पूरी डील चली है 1050, और ये मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, इस मंथ ऑफ अक्टूबर में एंड तक तो ये चल रही है इंशाल्लाह। ऐसे ही ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही होता है कि जब डील आती है तो फिर लोग जो है कुछ हैं ऐसे बहुत प्यारे लोग हैं भाई ने बोल दिया तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, तो ये चीज़ चलती रहेगी। आपसे हल्फिया तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा अजीब हो जाएगा, मैं तो लोगों को डायलॉग देता था कि भाई आप बोल दें एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली वो फुल एंड फाइनल हो गई, ऐसे कुछ ऐसा ये नहीं, हम मुकरने वाले लोगों से नहीं, क्योंकि मुसलमान की निशानी सच पे ही होती है, तो पूरा मन बोला है तो पूरा मन, हाँ इसको जरूर बढ़ा ज़रूर सकते हैं, कम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब एक काम करें, अगर ये चीज़ डिलीवरी पे कोई मांगता है तो किस एरिया में डिलीवर हो सकती है और नंबर क्या हो? अच्छा, हम लोग बफर जोन में लोकेटेड हैं, तो अभी जो डिलीवरी है वो हम लोग बफर जोन में ही डिलीवर कर रहे हैं,
लेकिन ये कि जो दूर के ऑर्डर्स होते हैं तो उसके हमारे पास जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो वो इंशाल्लाह उसको मैं बता दूंगा, उसमें मेंशन कर देंगे तो उधर डिलीवरी हो जाएगी। इसमें कोई अगर गुलशन से आ गई या मलीशा फैसल से आ गई जी, वहाँ से अगर कुछ होता है तो वो बाइकिया की सर्विस है, हमारे पास बाइकिया का बंदा मौजूद भी है, हमारे नंबर पर कॉल की जाएगी तो हम ही यहाँ से बाइकिया करा देंगे और जो भी बाइकिया के चार्जेस है वो ऑब्वियसली कस्टमर पे ही करेगा। लेकिन जो बफर जोन के रिहायशी हैं जो करीब के विद इन 5 माइल रेडियस हैं तो उनको हमारी तरफ से जो है वो डिलीवरी फ्री होगी। बफर जोन वालों आप लोगों को डिलीवरी फ्री है। नंबर बताने के नंबर पर मेरा नंबर है 0332822134। नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ चुका होगा। आप लोकेशन जो है क्लियर करवा लेते होंगे, लोकेशन कहाँ की है, लोकेशन बताइए। लोकेशन ये बफर जोन का एरिया है 15A2। ये यहाँ पे बड़ा मशहूर जो है वो सौद बेकरी है, मदनी बिरयानी है, तो मदनी बिरयानी के ऑपोजिट वाला रोड है सौद बेकरी का पट्टा ये कहलाता है। बहुत सारी दुकानें ऐसी में तुर्क नान भी है यहाँ पे, तो इसी पट्टे पे है हमारे जो है वो बिल्कुल। ये बफर जोन अब लोग बोलेंगे 15A2 है कहाँ पे, उनको बड़े परेशान लोग हैं हमारे, उनको समझ भी नहीं आता कि हमें लोकेशन क्या है, गूगल मैप भी कर। और आसान कर देता हूँ मैं, सकी हसन चौरंगी ये सबको मालूम है, इससे आगे हारून प्लाजा आता है, हारून प्लाजा जहाँ ख़त्म होता है उसके साथ एक चौड़ा रोड अंडर जा रहा है, तो उसमें एंटर हो जाएंगे तो सीधे हाथ पे हमारी दुकान दिख जाएगी। ये बहुत आसान किया, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं भाई लोकेशन लोकेशन पूरी क्लियर कर दी भाई ने, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन आपके पास आ गई, होम डिलीवरी का नंबर आपके पास आ गया और डील भी आपके सामने आ चुकी है। ये एक स्टार्टिंग डील है, भाई को आपने जितना सपोर्ट करना है सपोर्ट कीजिए, भाई ने भी नया सेटअप डाला है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स अच्छा इस वक्त मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये देखें आप सामने, आप देख सकते हैं ये सखी हसन से जो अंदर यानी पीछे हारून बैंगलोर होते हैं वहाँ से आप अंदर आएंगे तो ये पूरी स्ट्रीट आना शुरू हो जाती है, और इस स्ट्रीट पर जैसे ही आप इन होंगे आगे तो बहुत सारे रोड जा रहे होते हैं, आपको नज़र आ जाएगा चटखारा देसी मज़ा, जहाँ पर आपको मिल रहा है फास्ट फूड, चाइनीज़ इटालियन सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त मैंने आपको जो दिखाई है वो फास्ट फूड चाइनीज़ दिखा दिया है, कॉन्टीनेंटल इनका बहुत अच्छा बना रहे हैं माशाल्लाह से, और खाना जो होता है उसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे जो खाना मिल रहा है एक बहुत मेयार के साथ और बहुत तरीके से बनाया जा रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एज यूजुअल इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफ़िज़।